हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके लिए जुलाई अगस्त 2020 की वेल्डिंग ट्रेड मानने वाले IMP क्वेश्चन का भाग 6 लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैंड शियर की धार कितनी डिग्री के कोण पर बनाई जाती है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 87 डिग्री, डी 90 डिग्री। सही करेक्ट आंसर है सी 87 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, 0 से 6 mm मोटाई की प्लेट को काटा जाता है। ऑप्शन ए हैंड हेक्सा से, बी पावर सा से, सी हैंड शेयर से, डी पावर शेयर से। सही करेक्ट आंसर है ए हैंड हेक्सा से। तीसरा क्वेश्चन है, मशरूम हेड चीजल की आकृति पहचान होती है। ऑप्शन ए चीजल का नोक कोण घिसा होना, बी चीजल का नोक कोण फैला होना, सी चीजल का हेड छतरी नुमा फैला होना, डी चीजल का हेड टूटा होना। सही करेक्ट आंसर है सी चीजल का हेड छतरी नुमा फैला होना। क्वेश्चन नंबर 4, उदासीन ज्वाला न्यूट्रल फ्लेम के दहन का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 1:1, बी 1:2, सी 2:1, डी 2:3। सही करेक्ट आंसर है ए 1:1। क्वेश्चन नंबर 5, किस फ्लेम ज्वाला में ज्वाला बनाते समय 3 कोण बनते हैं? ऑप्शन ए उदासीन ज्वाला, बी कार्बोराइजिंग ज्वाला, सी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, डी ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला। सही करेक्ट आंसर है बी कार्बोराइजिंग ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस वेल्डिंग करते समय बैकफायर का क्या कारण है? ऑप्शन ए ब्लो पाइप की टिप के छिद्र में जलती हुई चिंगारी फंस जाना, बी ब्लो पाइप की टिप में के छिद्र में जलती हुई धातु फंस जाना, सी गैस वेल्डिंग के समय गैस का प्रेशर बहुत अधिक होना, डी उपरोक्त सभी। सही करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बदली जाती है। ऑप्शन ए ताप ऊर्जा में, बी गतित ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा में, डी चुंबकीय ऊर्जा में। सही करेक्ट आंसर ए ताप ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 8, आर्क वेल्डिंग में आर्क के बढ़ने व घटने पर वोल्टेज व एम्पियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आर्क लेंथ बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ते हैं एम्पियर घटते हैं, बी आर्क लेंथ घटने पर वोल्टेज घटती है एम्पियर बढ़ते हैं, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, गैस वेल्डिंग टॉर्च को बंद करते समय सबसे पहले किस गैस वाल्व को बंद किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन वाल्व, बी एसिटिलीन वाल्व, सी दोनों वाल्व को एक साथ, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी एसिटिलीन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 10, एल्यूमिनियम धातु की गैस वेल्डिंग करने के लिए कौन सी ज्वाला का फ्लेम का चयन किया जाता है? ऑप्शन ए उदासीन ज्वाला, बी कार्बोराइजिंग ज्वाला, सी ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला, डी ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला। सही उत्तर है ए उदासीन ज्वाला न्यूट्रल फ्लेम। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजिए, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा।